आपके पास प्रॉपर्टी है, अच्छा छोड़िए प्रॉपर्टी नहीं, प्लांट है, पेड़ पौधा, प्लांट, इक्विपमेंट होगा, होगा तो उसको क्या करना होगा, इंडेक्स में अकाउंटिंग, मतलब उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी अकाउंटिंग के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इंडेक्स 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो क्या, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। इंडेक्स करना है तो करना है, सीए बनना है तो बनना है, वी विल डू इट एट एनी हाउ। चलिए आपको एक बात बोलते हैं, सुनिएगा। निगाहों में मंजिल थी, वाह, निगाहों में ही मंजिल थी, आपकी आंखों में, आपके निगाहों में मंजिल थी। गिरे और गिरकर संभलते रहे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो, आपको तो भाई इंडिया 16 पढ़ना ही पढ़ना है, या फिर सीए बनना ही बनना है। जो चिराग है वो आंधी तूफान किसी से नहीं डरते, कोई भी टफ सिचुएशन हो हमें करना है तो करना है, और कुछ तो और कुछ करना ही नहीं भाई, बस सीए बनना है तो बनना है, करना है तो करना है, इंडिया 16 करना है तो करना है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम तो बहुत सुना है भाई साहब इनका, प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, कौन सा एस लगेगा, इंडिया 16 लगेगा। आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके क्लाइंट के पास हो सकती है, फैक्ट है। तो इंडिया 16 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपको इंडिया 16 क्या पढ़ाएगा जानना जरूरी है। अरे मतलब कहने का मतलब है, इंडिया 16 में आपको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें दिखाई बताई जाएंगी। तो पहली चीज आपको रिकॉग्निशन सिखाया जाएगा, ये कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्निशन, ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स, ये सब कहां सीखने को मिलेगा आपको इंडिया 16 में, किसका, प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, इन सब का, और बाद में रिवैल्यूएशन। तो रिकॉग्निशन, डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, तीन मुद्दों पे बात होगी इस पूरे इंडेक्स के जर्नी के दौरान, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे और बड़े बड़े पॉइंट्स भी आएंगे। तो बड़े पॉइंट्स बेसिकली इसी के इर्द गिर्द सारा इंडेक्स आपका टहलता हुआ आपको नजर आएगा, इधर से उधर करता हुआ नजर आएगा। अब सीधा आ जाते हैं अपना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, बिना कोई बकवास की। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को प्यार से क्या बोलते हैं, बोलिएगा जोर से माता। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जोर से बोलो, जय माता दी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनका प्यारा नाम है पीपीई, याद हो जाना चाहिए, पीपीई, पीपीई इनका प्यारा नाम है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आएगा कि भाई साहब किस पे एप्लीकेबल है, तो पहला हम लोग बात करेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी की, ठीक है। सो दिस इंडेक्स इज एप्लीकेबल ऑफकोर्स ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं दो बार प्रॉपर्टी लिख दिया हूं, क्या बोलते भी नहीं यार, दिस इंडेक्स, इंडेक्स इज एप्लीकेबल, आई एम सॉरी, इंडेक्स 16 एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी पे, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स
बियरर प्लांट पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे। तो चार चीजें आपको समझ में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और बियरर प्लांट्स भी इसमें कवर होंगे। तो अब इसमें आपको प्लांट्स का डेफिनेशन आपको कोई आज तक बताया नहीं होगा कि भाई साहब प्लांट्स कौन सा प्लांट, प्लांट तो वो प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री में जो होता है वो सब क्या जी। नहीं, ये नॉर्मल इकोनॉमिकल, हम सॉरी इन्वायरमेंटल बात करेंगे अपने प्लांट्स की, पेड़ पौधों की। ऐसे प्लांट जो बियर करते हैं फ्रूट्स, बियर फ्रूट्स, ठीक है, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज का ट्री, ठीक है, भाई साहब कोई पौधा है, अपने बचपन में पौधे का फोटो ऐसे बनाते थे, तो ये पौधा है, इसमें जब तक मतलब ये होल्ड करता है फ्रूट्स, सपोज करिए मैंगो है, पपाया है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो इवन वीड्स जो होता है, आप गेहूं जो खाते हो, राइस जो होता है, वो सारे आ सकते हैं इसमें। तो इस पे ज्यादा अपने को रिसर्च नहीं करना है, ज्यादा कुछ है नहीं अपने में, तो बस ये समझ लीजिए कि ऐसे प्लांट जो बियर करते हैं फ्रूट्स फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्या नीचा आ रहेगा मुझे आवाज थोड़ा सा, एक्सक्यूज। प्लांट्स, ऐसे प्लांट, बियरर प्लांट जो कि होल्ड करते हैं फ्रूट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी प्लांट, इक्विपमेंट्स, प्लांट दैट इज बियरर प्लांट, उस पर एप्लीकेबल है। तो आपको क्या लगता है कुछ चीज पे नॉट एप्लीकेबल वाला भी सिचुएशन आएगा, आना चाहिए। बस नॉट एप्लीकेबल दो चीजों पे नहीं एप्लीकेबल है। पहला, एक्सट्रैक्शन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स। एक्सट्रैक्शन एंड इवैल्यूएशन एसेट इन माइनिंग, ओके। देन वी विल हैव बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल में आपको पता ही गाय आ जाएगा, भैंस आ जाएगा, तो वो बायोलॉजिकल एसेट है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक्सट्रैक्शन एंड इवैल्यूएशन एसेट इन माइनिंग, मतलब माइनिंग से रिलेटेड जो एसेट है और बायोलॉजिकल एसेट, नॉट एप्लीकेबल। डन। कुछ ऐसे भी केस है पार्शियल एप्लीकेबिलिटी, पार्शियल एप्लीकेबिलिटी, अब इसमें कौन कौन से केस आएंगे? पहला आएगा लीज्ड एसेट्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब भाई पार्शियल में, इसमें कौन सा पार्शियल आएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिंग टू डेप्शन एंड रिवैल्युएशन, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, लीज एसेट का डेप्रिसिएशन और रिवैल्युएशन कौन करेगा?
आपका इंडेक्स 16 करेगा और बाकी काम ये आप इसका खुद का जो इंडेक्स है वो करेगा। और वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी कौन करेगा? डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन इंडेक्स 16 करेगा और बाकी का रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन ये सारा काम इनका एक पर्टिकुलर एसेट है वो करेगा, पर्टिकुलर ये से वो करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या है एप्लीकेबिलिटी का सिनारियो? एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेयर प्लांट्स को भी कंसिडर किया जाएगा। नॉट एप्लीकेबल आपको है एक्सट्रैक्शन रिवॉल्यूशन एसेट इन माइनिंग बायोलॉजिकल एसेट। पार्शियल एप्लीकेबिलिटी भी है लीज रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन एंड दैट इज लीज एसेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वेरी क्लियर आई गेस? ऑल क्लियर? कॉपी मूव फॉरवर्ड। चलिए अब आगे बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ पीपीई, पीपीई का क्या मीनिंग है, आखिर मतलब क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का? भाई कोई तो बता दो। बता रहे, टेंशन मत लो भाई, बता रहे। पीपी मीन्स टैंजिबल एसेट्स, पीपी मीन्स टैंजिबल एसेट्स विच आर टैंजिबल एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्ड फॉर यूज, काम के लिए रखा हुआ है। इन प्रोडक्शन, जिससे हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, रेंटल टू अदर्स, दूसरे को रेंट पे दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। भाई साहब, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंटल्स टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ये काम अगर आपका एसेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, आपके सर्विस को देने में मदद कर रहा है, रेंट देते हो, रेंटल पे देते हो किसी को, तो उसमें आपका एसेट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ऑफिस का बिल्डिंग है ये सब है, तो वो क्या होगा? पीपी। तो डेफिनेशन समझ में आई? अभी एक टर्म्स एंड कंडीशन और है इसमें, और वो क्या है? एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, लंबे समय तक रहने वाला। एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो आई रिपीट द डेफिनेशन, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मीन्स वॉट? टेंजिबल एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज, विच आर हेल्ड फॉर यूज, क्या यूज? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, आपको पता ही होगा। वैसे बिल्डिंग हो गया, एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे लैंड, जैसे आपके पास लैंड है, पार्किंग के लिए यूज करते हैं आप या फैक्ट्री में यूज करते हैं, आपके पास बिल्डिंग है ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस के लिए यूज करते हैं,
मशीनरी आपके पास है, आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो उसको, या फिर रेंट पे देने के लिए यूज कर रहे हो, रेंटल टू अदर्स। ये तीन चार एग्जांपल, और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो जैसे कि फर्नीचर हो गया, जैसे कि व्हीकल हो गया, और भी हो सकता है जैसे कि प्लांट का एक एग्जांपल एप्पल ट्री आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये जनरली एटसेट्रा बहुत सारे और एग्जांपल हैं, तो अभी तक ये आप समझिए एक बार। ठीक है, हो गया बात। अब बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन की या टेंजिबल एसेट की। अपने अभी पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर दोज टेंजिबल एसेट्स इजेंट इट विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, उसको बोलते हैं पीपीई। बट टेंजिबल एसेट क्या है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। अब टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसका हैविंग सब्सटेंस ऑफ इट्स ओन। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच इज हैविंग सब्सटेंस ऑफ इट्स ओन। मतलब खुद का इनका सब्सटेंस रहता है। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग का खुद का एक सब्सटेंस है, उसमें आदमी आता है, काम करता है और उसे कुछ प्रोड्यूस करता है, निकालता है, या फिर ऑफिस वर्क से सर्विस रेंडर करता है। तो इनका खुद का सब्सटेंस होता है, उसको आप यूज करते हो, हेल्ड फॉर यूज होगा जिससे कि आप अपना काम करोगे। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं अपने कुछ एक्सेप्शंस की, कुछ समय होता क्या, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, अब कुछ समय होता क्या है, आपके पीपीई में दैट इज टेंजिबल, उसमें कुछ इनटेंजिबल के भी पार्ट रहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है, तो कुछ कुछ चीजों में मोबाइल है आपके पास, दैट इज ऑल्सो टेंजिबल एसेट मे बी। आप अगर इसे रेंडरिंग करते हो सर्विसेज को, तो उसमें क्या सॉफ्टवेयर्स नहीं है? जी हाँ है। तो उस समय क्या करेंगे, मतलब दोनों जब कंबाइंड हो। ठीक है, तो उसमें दो तीन कंडीशन में आपको बना के दिखा देता हूँ कि उस समय क्या करते हैं, मतलब जब आपके पास टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एक साथ हो तो क्या किया जाएगा। तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं और लिखते हैं इसको क्लासिफिकेशन। ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ हैज ओनली टेंजिबल पार्ट तो क्या होगा, रिकॉर्ड पीपीई। ऑफ कोर्स हमेशा पीपीई ही रिकॉर्ड करेंगे। एंड हैविंग दूसरा केस
टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल भी है इसमें, बट ये इनटेंजिबल जो है इनसिग्निफिकेंट है, बहुत मामूली है, जैसे कि लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इनसिग्निफिकेंट, ऑल दो सॉफ्टवेयर कई महंगे भी आते हैं। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर, और इसको रिकॉर्ड कर देंगे टेंजिबल एसेट की तरह। सपोज करिए जब इसमें सिग्निफिकेंट इनटेंजिबल चीज आ जाएगी तो क्या करेंगे आप, सिग्निफिकेंट इनटेंजिबल। अच्छा क्वेश्चन है, जब सिग्निफिकेंट इनटेंजिबल पार्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहां पे करेंगे स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट करेंगे टेंजिबल। जैसे लैपटॉप का एग्जांपल ले लो, अगर उसमें 1-2 लाख का आपने सॉफ्टवेयर डलवा दिया, लैपटॉप आपका मान लीजिए 40,000 का है, तो सिग्निफिकेंट हो गया ना, 1 लाख का सॉफ्टवेयर अगर आपने लिया है तो उस केस के लिए टेंजिबल को स्प्लिट कर देंगे इसमें, और इनटेंजिबल को सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे, मतलब दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। कहने का मतलब अगर सिग्निफिकेंट है तो स्प्लिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर टेंजिबल है तो रिकॉर्ड करो पीपीई पे, अगर थोड़ा बहुत इनसिग्निफिकेंट इनटेंजिबल है तो चलेगा, रिकॉर्ड कर लो पीपीई की तरह। बट अगर सिग्निफिकेंट इनटेंजिबल एसेट आपके टेंजिबल में है तो यू शुड स्प्लिट इट, और उसको अलग अलग रिकॉर्ड आपको करना चाहिए। अब आपके मैं ऊपर है, बट बता दिया जाता है कि आपको करना चाहिए। तो भाई साहब ये हो गई आपकी कहानी, हमने अभी क्या पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी की बात कर ली कि भाई किस पे एप्लीकेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेयरर प्लांट्स, कुछ में पार्शियल एप्लीकेबल भी है जैसे कि लीज्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और कुछ में एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजिकल और एक्सट्रैक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इवैल्यूएशन एसेट इन माइनिंग। तो ये एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई अपनी, मीनिंग की बात हो गई अपनी, और दोज इंटेंजिबल एसेट विच आर हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, रेंटल टू अदर्स, तो मीनिंग की बात हो गई, क्लासिफिकेशन की भी बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग रिकॉग्निशन, भाई साहब रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना बुक में। आप एक बात बताओ, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी पीपीई को, तो वो कहां से आपको जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा भाई साहब इंड एज 16 से। डन इजंट इट, ओहो डन डना डन 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 डना डन डन। तो आपको आज पता चलेगा कि आपको आपके एसेट को कहां रिकॉर्ड करना है और कैसे रिकॉर्ड करना है, कितने रुपए पे रिकॉर्ड करना है, बुक्स में कैसे आएगा, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द नेशन वांट्स टू नो कि कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए तो रिकॉग्नाइज करने के लिए एक रिकॉग्निशन प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहां दिया हुआ है, इंड एज 16 में ही दिया हुआ है भाई साहब, और उसका पारा है 7, तो उसके पारा 7 में इंड एज 16 के, अगर आपको देखना है तो गूगल से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिर भी आपको रिकॉग्निशन तक पहुंचने के लिए, आप चाहते हो आप एक पीपीई हो, आप चाहते हो कि आप रिकॉग्नाइज हो जाओ बुक में, आपको पीपीई का दर्जा मिल जाए, इतना आसान नहीं,
वाह क्या लाइन बोला है मैंने। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हो कि आप पीपीई बनो तो उसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। रिकॉग्निशन तभी होगा। आइए क्या है रिकॉग्निशन प्रिंसिपल वो देखते हैं। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, ये बोलता है कि कुछ कंडीशन है विच वी यू नीड टू सेटिस्फाइड, कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहला फ्यूचर बताओ कैसा है आपका या मेरा, नहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट इज एफ ई बी। आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटिटी। भाई साहब भविष्य में हमें कुछ फायदा दिखता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आर एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल बोलो, यहां पे दो वर्ड आप यूज कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी है कि आपको फ्लो होगा ऐसा, तो प्रोबेबिलिटी मींस क्या हो जाएगा, या फिर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस जो हैं वो मोर देन 50% है कि बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और वो एंटिटी को फ्लो हो, ऐसा नहीं कि बस बेनिफिट हो रहा और हमें मिल भी नहीं रहा। मिलने का 50% से ज्यादा चांस दिखता हुआ नजर आना चाहिए। तो मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो एफईबी एक पहला कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जब आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं एज पीपीई। दूसरा कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर लिया जा सके, ठीक है। ये है आपके दो प्रिंसिपल, क्या है दो प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों प्रिंसिपल। आपको समझना होगा कि भाई देखो मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बात बताओ, आपको पीपी का सफर कैसा लगा, आपको पीपी रिकॉर्ड होने में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे एक प्रिंसिपल की पहले आपको क्या है, पहली बात तो आपको विद इन द स्कोप होना चाहिए, पीपी के स्कोप में आप रहें। जैसे कि आप क्या हो गए, अगर आप प्लांट हो, प्लांट एंड मशीनरी हो तो आपको मिल जाएगा। सपोज करिए आप स्टॉक हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो ये आप तो डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। तो पहली बात तो यही है कि आप स्कोप में, पहली चीज आपको स्कोप में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरी बात क्या करनी है, पीपीई की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करना है। पहली बात तो हमने स्कोप की बात की, एप्लीकेबिलिटी की, फिर उसके डेफिनेशन में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि भाई देखो आप तो एक टैंजिबल एसेट रहो, हेल्ड फॉर यूज, हमेशा यूज के लिए तैयार रहो या फिर रखे रहो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, और आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज,
रेंटल टू अदर्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो, तो ये सारी दूसरी कंडीशन है, मीनिंग में आप आ गए। पहला ये हो गया, तो आपका पहला टेस्ट यहाँ पे हो गया, टेस्ट वन। फिर आपका टेस्ट टू जो होगा, मतलब बुक में आने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा आएगा तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसमें आपको दो कंडीशन फिर से सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप अगर ये दोनों पास करके आ गए भी, तो आपको ये बताना होगा कि आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है भी या नहीं, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये है इंड एस 16 का रिकॉग्निशन का तरीका, मतलब आप रिकॉग्नाइज कैसे, रिकॉग्निशन आपकी कैसे होगी। तो पहली बात तो आप विद इन द स्कोप रहो। अब जैसे यहां पे क्या है, लीज्ड वाले, लीज्ड हो गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, ये भी स्कोप में आएंगे जस्ट फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। और वही अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एसेट की, ऑल दो आप टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप स्कोप में नहीं हो तो कैसे आओगे। जैसे कि ये स्टॉक हो गया, ये हो गया, तो पहली बात तो स्कोप में आओ, फिर आप डेफिनेशन सेटिस्फाई करो कि टेंजिबल एसेट रहो। टेंजिबल एसेट मीन्स जिसका सब्सटेंस खुद का सब्सटेंस ऑफ इट्स ओन, हेल्ड फॉर यूज, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन वन ईयर, इन सारे कामों के लिए आप यूज हो। और उसके बाद एक और कंडीशन है, वो है जो आपको समझ में आ गई, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट रिलायबली मेजर किया जा सके। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गई। सपोज करिए आपने कोई पीपीई खरीदा, और उसका कॉस्ट आपको पड़ा 2 लाख। तो मैंने बोला पीपीई खरीदा, तो आप तो पहला टेस्ट तो पार करके कि आप डेफिनेशन में आते हो। अब बात करेंगे रिकॉग्निशन का, तो क्या ये रिकॉग्नाइज होगा, अगर इफ FEB फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखिए कॉस्ट रिलायबिलिटी यहाँ पे मेजर्ड है ही, तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल सेटिस्फाई है कि कॉस्ट रिलायबल है। अब FEB की बात ही बची, अगर FEB फ्लो करता है एंटिटी को, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए पीपी? जी हाँ, एज ए पीपी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एट 2 लाख, जो भी उसका कॉस्ट है। अगर सपोज करिए FEB फ्लो टू एंटिटी नहीं है, नॉट फ्लो टू एंटिटी, कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, आप खरीद के लाके रख दियो बस, तो क्या रिकॉर्ड होगा? जी नहीं, ये PL में चला जाएगा एट द रेट 2 लाख। जब कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड क्यों करें, ठीक है। अगर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सपोज कहीं ₹10,000 का मिल रहा है, आपका एसेट 2 लाख का है, उसका कोई वरी नहीं है, बट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ 10,000 का मिल रहा है, क्या रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? जल्दी दिमाग लगाइए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 2 लाख का नहीं हो रहा है, क्या हम इसको रिकॉर्ड नहीं करें? क्या बोल रहे हो, क्या रिकॉग्नाइज होगा? नो या यस? भाई 2 लाख का है, 10,000 मिल रहा है, तो क्या बोल रहे हो, नो या यस? यस, रिकॉर्ड होगा। इट डजेंट मैटर वो 2 लाख का है तो 2 लाख ही मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रहेगा, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, एट एनी एट दैट कैन बी 1K ऑल्सो, बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी देयर, ओके। तो यहाँ पे कितना पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 पे रिकॉर्ड करेंगे या 2 लाख पे? रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख पे, क्योंकि उसका कॉस्ट 2 लाख है और वो रिलायबली मेजर्ड है। ऑल दो ये 2 लाख रुपए को हमको इम्पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है नहीं, शायद 190 को इम्पेयर कर देना पड़े। अब वो इंडियस अपना देखिएगा अलग से, बट हमारा अगर रिकॉग्निशन की बात करें, इंडियस 36 आई बिलीव
उसमें आएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट उसमें कवर होता है। तो कहने का मतलब है अगर कम भी एफईबी है फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ऑल्दो होना चाहिए बस ऐसा। और एक केस देख लेते, एफईबी है 10K का लेकिन फ्लो टू एंटिटी नहीं है, मतलब वो एंटिटी को नहीं हो रहा है, किसी और को फायदा हो रहा है, फ्लो टू एंटिटी नहीं है, तो क्या रिकॉर्ड होगा? नो, इट विल नॉट रिकॉर्डेड। देन चलिए कुछ स्पेशल केस है, अगर आप चाहें तो हम डिस्कस कर दें आपके साथ। हमने बात कर ली अभी तक रिकॉग्निशन की, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है जनरली। अब स्पेशल केसेस में क्या क्या है? एक है इनेबलर एसेट, एक है सेफ्टी, सेफ्टी एसेट्स, ठीक है, और एक सीएसआर से जो एसेट बनता है, सीएसआर से जो एसेट बना वो। ये तीन स्पेशल केसेस हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं इनेबलर एसेट क्या होता है। सपोज करिए ये आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, और ये मेन रोड इधर से है, ठीक है, आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से होता है, ट्रक यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होता है, या फिर ये जंगल में आपका है, सपोज करिए यहाँ बहुत सारे जंगल झाड़ी है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपका माल आपके फैक्ट्री तक तो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? बहुत दिक्कत होगी, नहीं पहुंच पाएगा। तो आपने क्या किया, एक रोड बना दिया, यहां से एक कनेक्टिंग रोड बना दिया, अपने खुद के पैसे को लगाकर एक कनेक्टिंग रोड आपने बनवा दिया कि मेरे फैक्ट्री तक माल पहुंच जाए, आराम से मेरा प्रोडक्शन स्मूथली हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इनेबलर एसेट है, आपके प्रोडक्शन में वो मदद कर रहा है, ऑल दो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट, बट मतलब ये यूज नहीं हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, तो इस काम के लिए यूज नहीं हो रहा, बट ऑल दो इट इज इनेबलिंग यू फॉर द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन इसके बिना नहीं हो पाएगा, माल आते जाते में तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एसेट है जो इनेबल करता है आपको अपना एक्चुअल काम करने के लिए, तो ये भी कंसीडर किया जाएगा एक एसेट की तरह, ठीक है। तो क्या इनका कोई ओन एफईबी रहेगा? जी नहीं, इनेबलर एसेट डज नॉट हैव इट्स ओन एफईबी, इनका खुद का एफईबी नहीं रहेगा या रहता है, क्योंकि ये दूसरे एसेट को इनेबल करते हैं, ठीक है। और क्या ये कैपिटलाइज्ड होंगे? जी बिल्कुल, ये रिकॉग्नाइज होंगे, कैपिटलाइज्ड होंगे, पक्का है। हाँ, ऑल दो आपको एफईबी का कंडीशन, मतलब आप इनेबल करो दूसरी एसेट से, हमें क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट पे हम लोग चेक करेंगे, कॉस्ट इसका रिलायबली मेजर्ड हो तो आप इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनेबलर एसेट को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल भी है, अगर अब वो नहीं होगा तो फिर आप लोग कैसे कोई भी एसेट को यूज में लाओगे। दूसरा फिर हमने बोला स्पेशल केस में एक सेफ्टी एसेट से, ठीक है, सेफ्टी एसेट जो सेफ्टी ऑफ सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि आपका सीसीटीवी हो गया, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया,
ये सारे क्या हो गए, सेफ्टी एसेट्स हो गए, और इसको भी हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब कैपिटलाइज करना पड़ेगा, स्पेशल केस है, इनको कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा, ऑल दो इनका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं नजर आएगा। जैसे इनेबलर एसेट में भी कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं था, बट आपको ये स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनेबलर और सेफ्टी, इनको आपको कैपिटलाइज तो करना ही करना है, कोई इसमें वो नहीं। और एक हमने बोला था सीएसआर एक्सपेंस से जो आप एसेट, सपोज करिए सीएसआर एक्सपेंस से आपने कोई पीपी एक्वायर किया या फिर लैंड बिल्डिंग फॉर एग्जांपल आपने एक्वायर किया, तो क्या वो रिकॉर्ड होगा, कैपिटलाइज्ड होगा? नो, ये नहीं कैपिटलाइज होगा। सीएसआर इज फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उस पर्पज के लिए यूज होगा। आप खुद बिल्डिंग खरीद लो उसके लिए कि भाई सीएसआर एक्टिविटी करने आए, सीएसआर का मतलब सपोज करिए आपका पूरे प्रॉफिट का 2% 20-25 करोड़ आपका आया, आपने 2 करोड़ 20-25 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग खरीदा, वहां पे स्कूल टीचिंग करवाया बच्चों को, तो बिल्डिंग आप खुद में कैपिटलाइज नहीं कर पो। जैसे आईटीसी का बहुत सारे स्कूल्स भी चलते हैं, ठीक है, आप जब भी आईटीसी का नोटबुक खरीदते हो जो क्लासमेट की आती है उसमें लिखा रहता है 1 रुपया आप डोनेट कर रहे हो हर कॉपी पे। सो आप ये समझ लो कि वैसा कुछ जो पैसा इकट्ठा होता है और जिस पर्पज के लिए आप यूज करते हो, जैसे सपोज करिए आप स्कूल खोल लिए और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका दे दिया, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग आप अपने में कैपिटलाइज नहीं करोगे, यही कहने का मतलब। तो ये हो गई आपकी रिकॉग्निशन की बात। और एक छोटी सी बात हमको करनी स्पेयर पार्ट्स की, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें कि भाई ये क्या होगा, इसका कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं होगा, किस में होगा। तो इनको हम लोग पीपी कंसिडर करेंगे अगर ये डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करें, डेफिनेशन ऑफ पीपी कि भाई ये टेंजिबल एसेट होना चाहिए और लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रेंटिंग ऑफ सर्विसेज रेंटल टू अदर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो हम इसको पीपी की तरह क्लासिफाई करें। अगर ये अगर आप डेफिनेशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको क्या होगा, पीपी माना जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, नॉट सेटिस्फाइड, तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, स्टॉक। यही क्वेरी यही रहती थी ना, स्पेयर पार्ट्स को कहां डाले, स्टॉक में डाले या पीपीई में डाले। भाई देखो बात सिंपल सी, अगर वो पीपीई का डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है देन इट इज पीपीई, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता देन इट इज स्टॉक एंड इट विल बी डील बाय इंडियस स्टॉक रेट इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज। तो बस यही रहा आपका पूरा कहानी इसका, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ और बात करेंगे डिटेल में। डेप्रिसिएशन तो बाकी है अभी, रिवैल्यूएशन बाकी है और रिकॉग्निशन तो बाकी ही है अभी, तो अभी हमने पिक्चर स्टार्ट की है बस। चलिए भाई, शुक्रिया आप सभी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा कि गला बैठा हुआ है, शुक्रिया, एक बात याद रखिएगा। We'll be right back.